हमारे मैं पुनः आप सब बहनों को यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को प्यारे बच्चों को हृदय से प्रणाम करता हूँ। मेरे भारत माता की हमारे यहाँ पर जितने गणमान्य व्यक्ति आए हैं, अनेकों संस्थाएं हैं, हमारे पूर्वी विनोद नगर से, मयूर विहार से, पटपड़गंज से, वेस्ट विनोद नगर से, मंडावली ऊंचे से, अपना कोई क्षेत्र ऐसा यहाँ पर नहीं है कि जहाँ के लोग यहाँ पर उपस्थित न हो। हम आभार प्रकट करते हैं आप सबका, जो आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे पधारे हैं। जो मैं अपने मंदिर के पंडित जी राजगोपाल जी को भी जरूर यहाँ पर उनका नाम लेना चाहूंगा, पिछले कई दिनों से हमारे साथ लगे रहे। और दीपक गंग्याल हमारा छोटा भाई, पिछले 20 दिन से लगातार इस कार्यक्रम में हम सब के अग्रज हमारे पूज्य आदरणीय ओम प्रकाश कोहली जी पधारे हैं। जोरदार ताली बजाइए, जोर से ताली। गोविंद ज्वाल जी, यहाँ उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, आज स्वतंत्रता का 67वां वर्ष है। 1947 में हम लोग आजाद हुए थे, 2013 है, हम 67 की आजादी की यादगार के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इसलिए जो सपना हमने देखा था वो सपना अधूरा है, जो बदलाव हम चाहते थे वो बदलाव अभी नहीं हुआ है। इसलिए आज आजादी के 67वें वर्ष में जब ये देश प्रवेश कर रहा है, तो हम एक संकल्प करें और वो संकल्प करें कि हमने देश की आजादी के समय जो सपना देखा था कि हम अपना समाज बदलेंगे, अपना देश बदलेंगे, एक बड़ा बदलाव आएगा, वो बदलाव अभी आया नहीं है, लेकिन वो हम ला कर रहे हैं। अरे एक मिनट आगे रह जाना, भारत माता साइड में आ जाना, तालियां बजाइए। भारत माता की राजगान गाएंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात महाराष्ट्र द्रविड़ उत्कल विंध हिमाचल यमुना गंगा उछल जल के तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाता जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा यही है कि हमारे देश के आगे 66वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, तो हमको ये लगा कि पूरे सारे समाज को, सब क्षेत्र को एक करके सामूहिक राष्ट्रगान गाना चाहिए, ताकि उन विदेशी शक्तियों को ये हम संदेश दे सकें कि भारत एक था, भारत एक है और भारत हमेशा एक रहेगा। Thank you.
because we again sang. So, it's great.